आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। बाबागंज रुपई डीहा के आमला पोखर गांव समीप बोंदरा नाले में 7 दिन से गायब युवक का शव बोरे में भरा मिला। सूचना पर पहुंचे मृतक के भाई ने पत्नी और साड़ू पर आशनाई में हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुपईडीहा थाना क्षेत्र के अंडहवा गांव निवासी करीम 30 पुत्र नन्नकुन्ने 15 मार्च से घर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा थाने में दर्ज था। 7 दिन बाद बुधवार को थाना क्षेत्र के अम्बा पोखर गांव समीप बोंदरा नाले में पूरे में भरा शव लोगों ने देखा और देखने पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर जीपी यादव, बुधवार नानपारा भानु प्रताप सिंह, रुपईडीहा थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से युवक की पहचान कराई। मृतक युवक के भाई वारिस ने पहचान की। साथ ही उसने थाने में तहरीर देकर साड़ू और मृतक की पत्नी पर आशनाई में बाधा बनने पर हत्या का आरोप लगाया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार ने बताया कि अभियुक्त कलाम व शबनम पत्नी कलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। अशोक कुमार ने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ये थाना रुपईडीहा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15/3/2022 को कलीम खां पुत्र नन्नकुन्ने निवासी अंटावा थाना रुपईडीहा, ये अचानक कहीं गायब हो गए थे, जिसके संबंध में इनकी पत्नी द्वारा 19/3/2022 को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दिनांक 23/3/2022 को आमा पोखर के पास नाले में एक बोरे में एक लाश मिली, जिसको स्थानीय पुलिस द्वारा बाहर निकलवाने पर पहचान मृतक कलीम खां पुत्र नन्नकुन्ने के रूप में हुई। इनके भाई द्वारा बताया गया कि मुझे शक है कि मृतक की पत्नी और उनके साड़ू कलाम द्वारा ही मेरे भाई की हत्या की गई है। इन लोगों को हिरासत में लेकर के थाना रुपईडीहा पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की गई है। पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर मोटरसाइकिल और उस स्थान पर जहां पर उसकी हत्या की गई है के पास बियर की कैन बरामद की है पुलिस ने। साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके साढ़ू कलाम, जो कि थाना रुपईडीहा का ही निवासी है, गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। इसमें सुसंगत साक्ष्य एकत्र करके इस जघन्य अपराध में इनको कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। शरद विश्वकर्मा की।